नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेट और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। आरोपी को 3 दिन का पीसीआर, वाहन की टक्कर से मवेशी हुए घायल, खेत में मजदूरी को लेकर हुआ विवाद। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आरोपी को 3 दिन का हुआ पीसीआर। आवरी में नकली सोना देकर 10 लाख रुपए लूटने के मामले में अदालत ने आवरी को 3 दिन आरोपी को हिरासत में रखा और आरोपी बाबू महादेव जाधव बताते हुए आरवी पुलिस ने उस अदालत में पेश किया। अदालत ने इसे 3 दिन के पीसीआर के लिए छोड़ा हुआ है। उल्लेखन है कि 2 दिन पहले 10 लाख रुपए लूटने की यह घटना तहसील में हुई थी। इसमें मामले में 8 आरोपी घायल हुए थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। वाहन की टक्कर से मवेशी हुए घायल। क्लम में कस्बे में पंचायत समिति के सामान के अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने मवेशियों को टक्कर मार दी। मवेशी इससे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना 19 सितंबर 9:30 बजे घटित हुई। रोहित जोगी की शिकायत पर क्लम पुलिस ने अज्ञात वाहन चालकों के खिलाफ मामले दर्ज किए। बढ़ते अगली खबर की ओर। खेत में मजदूरी को लेकर हुआ विवाद। भाबुलगांव किसानों को कृषि कार्य के लिए मजदूर की जरूरत थी। इसके चलते भाबुलगांव तहसील के अंतराव में गुटों के बीच विवाद हो गया। दोनों पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। अक्षय भवन शेंडे की शिकायत पर भाबुलगांव पुलिस स्टेशन में जीवन काले, विठल काले, सिंधिंद काले और नवनीता काले के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। जीवन काले की शिकायत पर अक्षय शेंडे और बब्बन शेंडे के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। ईंट पत्थर और लाठियों से इसकी पिटाई की गई थी। वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है एमएनएस न्यूज टीवी। नमस्कार। मैं हूं अभिषेक बच्चन की वॉचिंग एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज सच।